हमारा वो है हाउ टू फाइंड आउट द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको जैसे पता है कॉफिशियंट फ्रिक्शन क्या होता है कि दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ है उसका हमारा कॉफिशियंट निकालना होता है हमें। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम कॉफिशियंट फ्रिक्शन किसी बॉडी का निकाल सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। कि हमारे पास ये ना ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो है, ये एक प्लेन है जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। एक मेरे पास पैन है, ठीक है। एक ये वुडन ब्लॉक है और मेरे पास कुछ वेट्स हैं, ठीक है। एक हैवी वेट है, दो बाकी छोटे छोटे वेट्स हैं। तो इसकी मदद से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे इसका। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मैं इसको यहां देखते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूं, एक पुली के ऊपर लगा देता हूं, पैन को एक पुली के ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। और इस पुली की मदद से ये पैन यहां पे हैंग हुआ है। तो ये वुडन ब्लॉक काफी ये हल्का है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इसके ऊपर वेट डाल रहा हूं जो कि 1 kg का है, ठीक है। ये रफली 50 ग्राम के अराउंड इसका वेट है, मास है इसका, और 1 kg है। तो रफली हम ले लेते हैं कि 1 kg ही मास है। तो 1 kg अगर मास है तो इसका वेट क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 N होगा। तो मैं इसको यहां पे रख देता हूं। अब ये पैन इस तरफ, ये वेट इस तरफ। अब आपको पता है कि वेट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन क्या होगी ऊपर की ओर। तो मैं इसको धीरे धीरे यहां पे वेट डालना शुरू करूंगा और वेट डालूंगा, और वेट डालने से ये देखूंगा कि कितने वेट पे ये जस्ट मूव करना शुरू करता है। अभी इसकी जो फ्रिक्शन है इसमें, वो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो हिल नहीं रहा, क्यों नहीं हिल रहा, इसमें फ्रिक्शन है और वेट है और फ्रिक्शन इसे हिलने नहीं दे रहा। फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं इसके अंदर वेट डालना शुरू करता हूं ताकि उस वेट पे देखूंगा कि किस मास पे, किस वेट पे ये मूव करना शुरू कर देगा। ये एक जो मास है वो 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का मास मैं इसमें डालता हूं, देखते हैं। ये देखो, तो मैं इसके ऊपर एक और मास है जो 50 ग्राम का डालता हूं, मैं और ऐड अप करता हूं इसपे मासेस। तो मैं धीरे धीरे मास ऐड करता जाऊंगा, देखते हैं। ये अभी 150 ग्राम हो चुका है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, और जस्ट देखिए 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 ये मूव करना शुरू कर चुका है। देखो ये मूव कर रहा है। तो अभी देखिए दोबारा मैं आपको दिखा दूं एक बार कि ये कैसे मूव किया था, ये नहीं करा। मैं जैसे ही 300 ग्राम डालता हूं तो ये मूव करना शुरू कर दिया था इसने, देखो। तो हमारा ये जो मास है, ठीक है, ये जो मास डाला 300 ग्राम, इसके जस्ट इसके डालते ही ये मूव करना शुरू कर दिया। यही हमने मास ढूंढना था जिसके डालने से ये मूव करना शुरू कर दिया। क्या हुआ है, पहले था स्टैटिक फ्रिक्शन, अब इसका डायनेमिक फ्रिक्शन आने लग गया। पहले आया लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक, फिर लिमिटिंग, फिर डायनेमिक। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तोड़ना था हमने, तो जितना इस तरफ फ्रिक्शन था उसके ऑपोजिट मैंने फोर्स लगा दिया, पी, एफर्ट लगा दिया। तो P कितना हो गया, P जितना 300 ग्राम के किसके बराबर होगा, उसके F के बराबर, फ्रिक्शन के बराबर, और फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ और वो चीज मूव होनी शुरू होगी। तो इससे हमें कैलकुलेशन करने में मदद मिल सकती है। तो वो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो वो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पार्ट किस तरह से है, देखिए। जो W है, जो वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन ऑपोजिट एक्ट करेगी। तो मैं किस तरह से दिखा सकता हूं कि ये हमारे पास कोई बॉडी थी, इस तरह से प्लेन पे पड़ी थी ये बॉडी, इसका जो वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन क्या है ऊपर की ओर, तो रिएक्शन थी ऊपर, इसलिए ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। और F का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू म्यू आर एन होता है, तो म्यू आर एन ये फॉर्मूला है। अब क्या है कि म्यू इस तरफ रखे एक साइड और आर एन को नीचे ले दे, F बाई आर एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला बन गया म्यू का। अब हमारे पास देखिए आर एन अवेलेबल है, आर एन कैसे अवेलेबल है, क्योंकि आर एन डब्ल्यू के बराबर है। डब्ल्यू हमारे पास 1 kg था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, डब्ल्यू 1 kg मतलब 10 N, 10 N इज इक्वल टू आर एन, तो आर एन आ गया 10 N हमारे पास आ चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूं, आर एन की जगह 10 N यहां पे फाइन लिख सकता हूं। और एफ
एफ कितना है, एफ है पी के बराबर, क्यों, उतना पी डालने से उसकी फ्रिक्शन टूट चुकी है और वो फ्रिक्शन टूटी और वो ये मूव करना शुरू कर दिया, जितना पी डाला उसके फ्रिक्शन के ऑपोजिट हो गया इसलिए वो चलना स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास पी जो हमने डाला 300 ग्राम था, तो 300 ग्राम को कैसे कर सकते कन्वर्ट, अगर किलोग्राम में करें तो हो जाएगा 0.3 किलोग्राम, किलोग्राम को डालें ठीक है किलोग्राम, लेकिन इसको न्यूटन में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 न्यूटन, तो मेरे पास एफ कितना आ गया 3 न्यूटन, उस 3 न्यूटन को यहाँ पे पुट करें 3 न्यूटन, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.3 इसका म्यू आ गया 0.3 तो इस हिसाब से हम किसी भी बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इजीली निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यही होता है बेटा बॉडीज को चेक करने के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो हम इसे एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते हैं। आपको समझ आया या नहीं आया तो मुझे प्लीज ये कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।